75 होए हैं, जिद अज एक 75वां जिहड़ा आजादी दिवस के समागम मनाया जा रहा। और अज शहीद आजम भगत सिंह जी नूं असीं याद करते हैं, राजगुरु सुखदेव जी नूं, साडे जिहड़े राज्यसभा मैंबर ने श्वेत मलिक जी, क्योंकि वह ट्रस्टी भी ने इत्थों दे। और अज असीं इस प्रोग्राम दे विच एक आहिद करांगे कि इनकलाब जिहड़ा उन्हां ने लैके आंदा सी, कुछ त्रुटियां जिहड़ियां साडे तों रह गईआं ने उन्हां नूं दूर करन वास्ते समाज नूं चेतना भी फैलावांगे। और हर एक नूं बेनती करांगे कि यह इतिहास जिहड़ा आ इह घर घर पढ़िया जावे ते बच्चों नूं पढ़ाया जावे, क्योंकि कोई शक नहीं असीं पोलिटिकल बंदे प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम प्रोग्राम तक ही सीमित ना रहे। मैं आप जी के माध्यम राही हर एक बेनती करूँगा, सो अज शहीदों याद करेंगे जिले बाग, जिथे कि बहुत वड्डा एक विसाखी वाले दिन वड्डा कांड होया सी, जिस हज़ारां लोग हर धर्म के हर फिरके लोग जिहड़े सी उन्हां दी जान गई, शहीद होए सी, असीं उन्हां नूं भी हमेशा याद करते हैं। अज असीं शहीद आजम भगत सिंह दे शहीदी दिन दे उत्ते यही सारे बेनती करांगे, आहिद करांगे कि हिस्ट्री जिहड़ी है इतिहास नूं याद रखना चाहिए, जिहड़ियां कौमां जिहड़े परिवार अपने बजुर्गों नूं वड्डियां वडेरियां नूं याद रखते हैं वो हमेशा ही तरक्की करते हैं। मैं पंजाब की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, जो शहीद होते हैं वो सदा के लिए जीवित रहते हैं। 23 साल की उम्र में शहीद हो गए हमारे सरदार भगत सिंह जी, वो आज भी 23 साल के हैं, तो सारी रहती दुनिया तक 23 साल के रहेंगे, लोग नमन करते रहेंगे। इसलिए सच पे चलना चाहिए, सच की हमेशा जीत होती है। भगत सिंह ने देश के लिए जान मारी, तो आज जो हम आजादी का निग मान रहे हैं वो इन शहीदों की बदौलत ही मान रहे हैं। आज मैं शहीदों की धरती से नमन करके जा रहा हूँ, और जे भगत सिंह का आशीर्वाद लेके अपने आप को इतना बल देना चाहता हूँ कि मैं कहीं पे डोलू ना, कहीं पे डरू ना इन लोगों से, जहाँ जहाँ पे इन्होंने गलत किया, हमारे पंजाब के साथ धोखा किया, इन धोखेबाजों को पंजाब के लोगों ने भी चलता किया, इनके जो दो नंबर के कारोबार उनको बंद करने के लिए, उनकी बसें बंद करने के लिए पूरे का पूरा जोर लगा देंगे। समाज को उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, जो समाज या देश अपने शहीदों की नहीं वो करता तो वो आगे प्रगति नहीं कर सकता। और इस परिवार से व्यक्तिगत मेरे परिवार का बहुत था, तीन परिवार जो है, शहीद भगत सिंह का परिवार और लाला लाजपत राय और हमारा परिवार, मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध था। लाला लाजपत राय के पूजनीय पिताजी मुंशी राधा कृष्ण जी वहाँ टीचर थे, पर्शियन टीचर थे, उनका बचपन वहीं रोहतक में गुजरा, और वो मेरे दादाजी के बड़े दादाजी के टीचर भी थे। पुरानी सरकारां दे नुमाइंदियां नूं ना जी कदे सोच ही नहीं सी, उन्हां नूं करप्शन तो कदे वेल मिली होवे ते तां इह सोच आवे ना जी। शहीदां नूं प्रणाम करना साडा विरसा है, साडी ड्यूटी, साडा जिहड़ा है, साडा जिहड़ा है धर्म बनता है। अज इन्हां दी बदौलत असीं इह खुल्ली फिजा दे विच खड़े हाँ जी। अज उन्हां दी सोच नूं सानूं धारण करना चाहिए, सानूं धारनी बनना चाहिए उन्हां दी आइडियोलॉजी का। तुसीं बेफिक्र हो जाओ, हुण असीं जिहड़ा है विधानसभा तो वेले होके हुण पटियाले आए हैं जी, तुसीं अगे अगे देखो हुंदा। अज दा दिन है शहीदां नूं याद करन दा, उन्हां दीआं कुर्बानियां नूं याद करन दा, ते जिहड़ा जिहड़े रस्ते उन्हां ने सानूं दिखाए सी उहदे ते चलण दा, जिहदे विच मुख तौर ते शहीद आजम भगत सिंह इक इहो जिहा क्रांतिकारी सी जिन्हें कहा सीगा कि साडी आर्थिक नीति की होएगी, गरीब द्वारा गरीब की लुट नहीं होनी चाहिए, वह बंद करावांगे, गरीबां दे सहाई बणांगे। जिस तरह तुसीं देखिया कि ठेका सिस्टम खत्म, लोगों नूं नौकरियां मिलनियां शुरू हो गई, भ्रिष्टाचार बंद हो गया, सो ये सच्ची श्रद्धांजलि जिहड़ी आ उन्हां दी सोच ते चलांगे।